सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। प्रज्ञा ठाकुर का हिंसक बयान, हिंदुओं को चाकू रखने की दी सलाह। बीजेपी नेताओं का विवादित बयान लगातार सामने आता ही रहता है, कभी फिल्मों पर, कभी कलाकारों पर, तो कभी महान हस्तियों पर। अब ऐसे में भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। दरअसल कर्नाटक के शिमोगा में एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ने कहा कि अगर कोई हिंदुओं के सम्मान पर हमला करता है तो हिंदुओं को जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसी दौरान उन्होंने समुदाय से अपील की कि वो कम से कम अपने घरों में चाकुओं को तेज करके जरूर रखें, क्योंकि सभी को अपने सुरक्षा करने का अधिकार है। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, स्पष्ट बोल रही हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें। पता नहीं कब कैसा मौका आए, तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। प्रज्ञा ठाकुर की माने तो लव जिहाद असल में जिहाद उनकी ही परंपरा है। अगर कुछ नहीं होता तो वो लव जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, सन्यासी अपने भगवान से प्यार करते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में कुछ महीने पहले हिजाब को लेकर भारी बवाल हुआ था, जिसके बाद शिमोगा में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। इन सब के बीच प्रज्ञा ठाकुर ने भी नफरत फैलाने का काम किया है। शिमोगा की घटना का जिक्र करते हुए प्रज्ञा ने कहा कि अपने घरों में हथियार रखिए, और कुछ नहीं है तो जिस चाकू से सब्जी काटते हैं उन्हें ही तेज करके रखिए, क्या पता कब कैसी स्थिति बन जाए। सभी के पास अपनी सुरक्षा का अधिकार है, अगर कोई हमारे घरों में घुस आता है और हम पर हमला करता है तो करारा जवाब देना हमारा अधिकार है। वैसे ये वही प्रज्ञा ठाकुर हैं जो महात्मा गांधी का अपमान करने से भी पीछे नहीं रही थी। 2008 के मुंबई हमले में शहीद हुए जवानों पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में देखना ही दिलचस्प होगा कि दूसरों को आईने दिखाने वाली बीजेपी क्या नेता के बयान पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, कि दूसरों को आईना दिखाने वाली बीजेपी अपने ही नेता के बयान पर कोई कार्रवाई करती भी है या नहीं।